नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरियाणा से मनोज मोर और एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल सीख ले इंडिया में स्वागत करता हूं। आज हम जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, वहां पर आप एक दिन की अगर उसे डिटेल में बेचते हैं तो आप 25,000 रुपये प्रॉफिट, सिर्फ प्रॉफिट आप एक दिन का कमा सकते हैं। और अगर होलसेल की बात करें, अगर उस प्रोडक्ट को आप होलसेल में बेचते हैं तो एक दिन का आपका प्रॉफिट जो होगा वो 7,500 रुपये का होगा। और अगर ये दोनों काम भी आप नहीं कर पाते हैं, आप उस प्रोडक्ट को रिटेल में भी नहीं बेच पा रहे हैं और होलसेल में भी नहीं बेच पा रहे हैं, तो उसी प्रोडक्ट को अगर आप कंपनी को देते हैं तो आपका एक दिन का प्रॉफिट लगभग बनता है 1700-1750 रुपये। तो अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, एक बहुत यूनिक बिजनेस आपके लिए होने वाला है। और जिस प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूँ वो प्रोडक्ट मात्र आपको 33 रुपये का पड़ता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो 33 रुपीज़ की पड़ती है। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करके सारी जानकारी जानते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जो प्रोडक्ट है वो आपको 33 रुपीज़ का पड़ता है। अभी रिसेंटली मैंने उसे अपने घर में लगवाया था, वो मुझे पड़ा था 150 रुपये का। तो मगर मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, मुझे आज पता चला कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो सिर्फ 33 रुपीज़ की है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है वो हर 3 महीने के बाद आपको चेंज करना पड़ेगा। इसकी मैक्सिमम लाइफ जो है वो हर 3 महीने की है, तो इस वजह से जो ये प्रोडक्ट है वो पूरे 12 महीने यूज़ होता है। यूज़ की बात करते हैं, इसे हर घर, ऑफिस, स्कूल, आपका कोई दुकान, हर जगह इस प्रोडक्ट की डिमांड रहती है। और ये चारों चीज़ें मैंने आपको बताई है, चाहे आप किसी गांव से हो, कस्बे से हो, शहर से हो, ये हर स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, घर आपको हर जगह मिल जाएंगे। तो इसकी जो डिमांड है वो तो 12 महीने रहती है, हर 3 महीने के बाद इस प्रोडक्ट को चेंज करना पड़ता है। जैसे कि मैंने बताया, मैं चेंज करवाता हूँ, मुझे 150 रुपया पड़ता है। अब बात कर लेते हैं, मान लीजिए इस प्रोडक्ट को आप बनाते हैं, 33 रुपये आपको कॉस्ट पड़ेगी। तो इसे मान लीजिए आप बेचते हैं रिटेल के अंदर, तो रिटेल में आप लगभग इसको बेचेंगे 150 रुपये में। तो रिटेल में आपको जो प्राइस पड़ा वो 100 रुपये से लेकर 125 रुपये का आपको बेनिफिट मिला। एक प्रोडक्ट के पीछे जो प्रॉफिट हुआ आपका, नेट प्रॉफिट, वो 100 से लेकर 125 रुपये पड़ा आपको। और बात करें, अगर इस जिस मशीन से आप इस प्रोडक्ट को बनाएंगे वो एक घंटे के अंदर आपको 30 से लेकर 50 की क्वांटिटी इस प्रोडक्ट की बना के देती है। हम मिनिमम पकड़ के चलते हैं, मान लीजिए आपने एक घंटे में 30 प्रोडक्ट बनाए और आप 8 घंटे भी उस मशीन से काम करते हैं तो लगभग 240 पीस, मतलब कि हम 250 पकड़ के चलते हैं, आप एक दिन में 250 पीस उस प्रोडक्ट के बनाते हैं। तो आपका रिटेल में मार्जिन कितना था? 100 रुपये का। तो 100 इंटू में 250 करते हैं तो आपका रिटेल का मार्जिन हुआ 25,000 रुपये का, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ये आपका प्रॉफिट है। और अगर उसी प्रोडक्ट को आप होलसेल में बेचते हैं तो 250 क्वांटिटी आपके पास एक दिन की थी, 30 रुपये का हम मार्जिन पकड़ के चलते हैं कि आपने 30 रुपया प्रॉफिट उसके पीछे रखा, तो 250 इंटू में 30 करते हैं तो लगभग 7,500 रुपये आपका वो प्रॉफिट बनता है। और ये दोनों काम भी आप नहीं कर पाते हैं, आप रिटेल में भी नहीं बेच पा रहे हैं, आप होलसेल में भी नहीं बेच पा रहे हैं, तो उसके लिए आप इस प्रोडक्ट को बना के कंपनी को सेल कर सकते हैं। जिस कंपनी में बात कर रहा हूँ वो एक सर्टिफाइड कंपनी है, ISO सर्टिफाइड कंपनी, और एक बहुत बड़े लेवल की कंपनी है। तो वो आपको एक प्रोडक्ट के पीछे मतलब कि 7 रुपीज़ का मार्जिन देती है, मतलब 33 रुपीज़ में आपको प्रोडक्ट रेडी हुआ, 40 रुपये में आप कंपनी को देंगे, 7 रुपये का एक प्रोडक्ट के साथ मार्जिन। तो 250 इंटू में 7 करेंगे तो लगभग 1700-1750 रुपये आपको बनते हैं। तो अगर आप कंपनी को डेली देते हैं तो 1700 रुपया मतलब 45,000 कंपनी को माल देंगे तो 45,000-50,000 रुपये महीना कमा सकते हैं। होलसेल में डील करते हैं तो 7,500 रुपये का लगभग आपका एक दिन का मार्जिन होता है, तो लगभग 200,000 रुपये का। और रिटेल में डील करते हैं तो बहुत ज़्यादा मुनाफा है। तो ये तो सारी डिटेल बताई मैंने, इस प्रोडक्ट की कीमत क्या है, होलसेल में क्या कितने का पड़ेगा, रिटेल में कितने का पड़ेगा, और अगर कंपनी को देते हैं तो आप कितना मार्जिन कमा सकते हैं। डिमांड की भी मैंने आपको बता दिया, 365 दिन ये चलता है, हर 3 महीने के बाद इसको बदलना पड़ता है। हर घर की डिमांड है, या घर, ऑफिस, स्कूल, कहीं पर भी आप इसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। आप किसी गाँव, शहर, कस्बे, कहीं से भी हैं, कहीं से भी इस व्यापार को स्टार्ट करते हैं। इस बिजनेस की खास बात मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपको इतनी फुर्सत ही नहीं लगेगी कि आप इस प्रोडक्ट को बना के कंपनी को दे पाए, क्योंकि उसकी आपके शहर या गांव कस्बे में इतनी डिमांड है कि आप उसे वहीं पर ही सप्लाई कर देंगे। तो तीनों ऑप्शन है, प्रोडक्ट क्या है, आगे वीडियो में आप कंपनी की वीडियो देखते हैं जहाँ पर आपको इसके बनाने का सारा प्रोसेस बताया जाएगा किस तरह का ये प्रोडक्ट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। नमस्कार मित्रों, आस्था इंजीनियरिंग से मैं निकिता सोलंकी, मैं आपको आज ऐसा बिजनेस बताने जा रही हूँ जो बिल्कुल नया है, यूनिक है, डिमांडेबल बिजनेस है,
जिसका काफी ज्यादा मार्केट में रिक्वायरमेंट है। प्रोडक्शन करोगे उससे ज्यादा उसकी मांग है। ये मोनोपोली वाला बिजनेस है। कंपनी एरिया वाइज बिजनेस देगी। ये कहीं से भी किया जा सकता है, छोटी जगह से भी चालू किया जा सकता है। ये प्रोडक्ट वाटर प्यूरिफायर फिल्टर हर घर, हर शॉप, ऑफिस, इंडस्ट्री, स्कूल सभी में यूज होने वाली प्रोडक्ट है। छोटी पूंजी लगाकर बड़े लेवल पर किया जा सकता है। वाटर प्यूरिफायर फिल्टर बनाकर आप इसे रिटेल भी कर सकते हो, होलसेल भी कर सकते हो और कंपनी को भी प्रॉफिट के साथ बेच सकते हो। ये ट्रेडमार्क और ISO रजिस्टर्ड कंपनी है। कंपनी क्वालिटी को सबसे पहले मेजर देती है। कंपनी आपको बिजनेस दे रही है, तैयार बिजनेस जिसकी मार्केट में काफी ज्यादा मात्रा में डिमांड है। आप इसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी ले सकते हो। इस मशीन की खास चीज ये है कि इसे कोई भी ऑपरेट कर सकता है। इस मशीन पर एक व्यक्ति एक घंटे में 30 से 50 फिल्टर बना लेता है। हर वाटर प्यूरिफायर में इस्तेमाल होने वाला फिल्टर जिसे MLT फिल्टर या एक्वा फिल्टर कहते हैं। हर वाटर प्यूरिफायर में 1 से 2 महीने में चेंज करना होता है। सभी वाटर प्यूरिफायर इस्तेमाल होने की वजह से इसकी डिमांड बहुत ही ज्यादा मात्रा में है। कंपनी आपको थियोरिकल, प्रैक्टिकल और टेक्निकल पूरा नॉलेज देगी। साथ में आपको मार्केट में कैसे सेलिंग करना है, कहां कहां सेलिंग करना है उसका भी पूरा नॉलेज देगी। कंपनी चुनिंदा लोगों को ही यह बिजनेस देगी। बॉबिन को इस तरह से इंसर्ट करना होता है। फिर धागे को उस पे लपेटना होता है। इसके बाद मशीन को स्विच ऑन करना होता है और मशीन अपने आप वर्क करने लगेगा। फिर बॉबिन को मशीन में से इस तरह निकालना होता है। फिर बॉबिन को एक दूसरे मशीन में इंसर्ट करना होता है। फिर उसे प्रेस करना होता है। फिर मशीन को इस तरह से घुमाना होता है। फिर उसे एक और बार प्रेस करना होता है। फिर उस पे ढक्कन को ऐसे लगाना होता है और ये हो गया तैयार। आस्था का वाटर, पानी का डॉक्टर। आइए बात करते हैं इस नए तैयार ज्यादा प्रॉफिट वाले और बिना कंपटीशन वाले बिजनेस के बारे में। चलिए बात करते हैं आस्था इंजीनियरिंग के एम्प्लॉय से। तो आप हमें इस प्रोडक्ट के बारे में बताइए कि क्या है ये प्रोडक्ट। एक्चुअली हमारा ये जो प्रोडक्ट है इसको हम एक्वा फिल्टर, वाटर फिल्टर या फिर MLD कैंडल भी कह सकते हैं। इसका जो यूज है वो वाटर प्योरीफायर में होता है। RO जैसे वाटर प्योरीफायर होते हैं उसमें इसका यूज होता है। इसका काम ये है कि 50% जैसा पानी ये मशीन के बाहर ही फिल्टर कर देता है और बाकी का 50% है वो मशीन के अंदर फिल्टर होता है। अच्छा, तो आप हमें बता सकते हैं कि इसको कैसे लगाना है? हाँ जी, बहुत ही आसान है। आपने इसको देखा ही होगा, ये हर प्योरीफायर की बाजू में लगा रहता है। अच्छा। इसे हम हाउसिंग कहते हैं। तो बहुत ही आसान है। ये MLD कैंडल को या फिल्टर को अब जो कहे इसे ऐसे फिक्स करना है और बस लगा देना है और विद इन 3 मंथ्स आपको ये कंपल्सरी चेंज करना रहता है। अच्छा। इसलिए इसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा है ये प्रोडक्ट की और फ्यूचर में इस प्रोडक्ट का बहुत ही डिमांड रहेगा। डिमांडेबल प्रोडक्ट है इसलिए इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। तो ये प्रोडक्ट कहाँ यूज किया जाता है, कौन सी जगहों पे यूज किया जाता है? ये प्रोडक्ट एक्चुअली हर जगह यूज होता है। शहर, गांव, ऑफिस, स्कूल्स, हर जगह। तो इसका प्रॉफिट क्या होता है? एक्चुअली अगर ये
प्रोडक्ट अगर आप कंपनी को भेजा तो आपको हर फिल्टर पे, हर जो कैंडल है उस पर 7-7 रुपये, मतलब 7 रुपये प्रॉफिट होगा। अगर आप होलसेल में बेचते हैं उसे, होलसेल में बेचते हैं तो आपको 30 से 40 रुपये का मुनाफा होगा। और अगर आप रिटेल करते हैं उसे तो आपको 150 से 300 तक का मुनाफा हो सकता है। बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है इसका। तो आप देख सकते हैं कि इसका प्रॉफिट कितना ज़्यादा है और इसका फ्यूचर कितना ब्राइट है। तो जल्द से जल्द आप आस्था इंजीनियरिंग से संपर्क करें और उनसे जुड़े। धन्यवाद। मुनाफे की बात करें तो होलसेल में एक फिल्टर पर 30 से 50 रुपए तक, रिटेल में 100 से 300 रुपए तक प्रॉफिट होगा। आप कंपनी को भी प्रॉफिट के साथ बेच सकते हो। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल वाले आइकन को जरूर दबाएं ताकि इस बिजनेस की नई नई जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।